आजाद नगर थाना क्षेत्र के ग्राम भावटा में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एक 3 साल के मासूम की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। वहीं घटना के बाद आरोपी वहां से भाग गया, जिसकी तलाश की जा रही है। और पुलिस ने बताया कि घटना देर शाम की है, जब मृतक गोविंद अपने ताऊजी के साथ खेत में बकरी चरा रहा था। तभी आरोपी नाम सिंह को देखकर बच्चा चिल्लाकर भागने लगा। तभी आरोपी ने गुस्से में आकर बच्चे पर धारदार हथियार फालिया से गर्दन पर वार कर दिया, जिससे बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। और घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। परिजनों की सूचना पर मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। इसमें 3 साल का गोविंद अपने ताऊजी के साथ बकरियां चरा रहा था, खेत पर था, तो रास्ते में नानकिया गांव का नानकिया भील निकला। उसको देखकर बच्चा डर गया, चिल्लाया, तो उसको अचानक गुस्सा आ गया, क्यों चिल्लाया, तेरी मुंडी काट देता हूँ करके उसने अपने हाथ में लिए हथियार से वार किया जो गर्दन में लगा। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। ये लोग दौड़े तो भाग गया, जिस पर थाने आकर फरियादी ने रिपोर्ट करी, रिपोर्ट पर अपराध पंजीकृत किया गया और उसको विवेचना में लिया गया है। सर, आरोपी फरार है या गिरफ्त में? हाँ, आरोपी फरार है, घटना के बाद से ही फरार है, तलाश कर रहे हैं उसकी। सर, पुरानी पूरे घटनाक्रम में क्या पुरानी रंजिश सामने आ रही है? इसमें पुरानी रंजिश नहीं, तत्कालिक उत्तेजना में ही उसने बच्चे के ऊपर वार कर दिया। निरीक्षक कैलाश बारिया, थाना प्रभारी चंद्रशेखर आजाद। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए अलीराजपुर से फिरोज पठान की रिपोर्ट।